है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे 10:30। मम्मी जस्ट अभी उठी हैं, तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो मम्मी थोड़ा आज नींद दवा ले रही थी, देर से सो के उठ रही है। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं भी इस घर से यहाँ उठ के आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिन की, देखते हैं आज के दिन क्या होता है, क्या क्या करता हूँ। चलते पहले फलक के पास हो गए, एक घर में वही ऐसी है जो दिन भर सोते की तरह टायर टायर करती रहती, चल के उन्हीं से थोड़ा टाइम पास करते हैं। फलक फलक कहाँ, तुमने हमको अदाब किया था? हाँ। कहाँ किया था अदाब? अच्छा, क्या दिखा है तुमको? हेलो हेलो चाचू। हेलो हेलो फलक। हेलो। कहाँ है, कहाँ हिले? हम तो हिले रहे हैं, देखो ये देखो। हेलो। हम कहाँ हिले? हेलो। हाँ बस हो गया हेलो। फलक तुम्हें क्या आता है? Where is your eyes, Falak? Where is your nose? Where is your teeth? Where is your tongue? Okay, where is your hair? Okay, where is your hand? Show me your hand. Fingers. Okay. And where is your mama? Where is your father? So guys, धूप बहुत तेज है, देखिए आज गर्मी बहुत तेज़ है। आज यहाँ मेरे होम टाउन में 41 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम, तो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रही है। बाहर तो ऐसे भी निकल सकते हो बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में अगर निकलने का मतलब है कि अगर पुलिस ने रोक लिया तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर बाहर निकल गया, क्योंकि आज मैं प्लान कर रहा हूँ घर में केक बनाने के लिए। तो अगर कुछ हुआ मटेरियल लेने के लिए, कुछ बिस्किट केक, तो निकलूँगा बाहर। देखिए ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई। तो फिलहाल धूप बहुत तेज़ है, हिम्मत नहीं करी। देखिए आप कैसे धूप, जबकि अभी सुबह से हो रहा है 10:30 पे ये धूप है, अभी पूरा दिन बचा हुआ है। वैक्सीनेशन का क्या, वैक्सीनेशन का क्या हुआ? वैक्सीनेशन का पता करने गए थे तुम? अभी वो ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, तो तुमको अभी क्या बताया था? तुमको अभी हम फारसी में बता रहे थे। देखे कितनी धूप है, चलिए पापा को देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। ये खाने का इंतजाम चल रहा है पापा का, ये है पापा का पूरा इंतजाम है। ये अपना रस रसम मंगा के एक साथ रख लेते हैं 5-6 पैकेट, क्योंकि पापा को सुबह 4-5 बजे बिल्कुल भूख लग जाती है, तो दूध से ये रस खा लेते हैं। अभी भी देखिए कार्यक्रम चालू हुआ है, देखिए। सो यही सीन है अभी पापा के साथ। पापा का ये कमरा है, ये अपने साथ से रहते हैं, इस कमरे में फैला के जैसे रहे, इनका मतलब है कोई मतलब नहीं पड़ता किसी को। तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं पापा, जीने दीजिए। फिलहाल मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हाँ क्या करेंगे, कसरत करेंगे? अच्छा कैसे कैसे करते हैं आप? बहुत सी। चलिए ठीक है, कभी जब कीजिएगा तो आपकी वीडियो वो भी बना लेंगे हम दिखाने के लिए। खाना है? तुम नहीं खाओगी? लो खा लो। दूं? क्या चीज कैसे रखते हैं? ये मोबाइल। मोबाइल? मोबाइल हम ये मोबाइल तो ऐसे ही रखते हैं ना। वैसे नहीं रख पाता। तो गाइस फाइनली निकल चुका हूँ भैया के घर, और आज केक बनाने का प्लान बन गया है। थोड़ा सा रास्ता फिर ख़राब मिल रहा है, गंदा है, तो
तो गाइस ओरियो बिस्कुट तो नहीं मिला, अभी फ़िलहाल चॉकलेट मिली है। तो ओरियो के लिए चलते हैं, कहीं और ढूंढते हैं, शायद मिल जाए ओरियो, फिर निकलते हैं भैया के यहाँ। आज बच्चों का बहुत प्लान है, यहाँ पे केक का प्लान है। तुम लोग चुप क्यों गए हले केक का नाम सुन के? अब कल भाभी ने फिर कुछ प्लान रखा है, तो कल का प्लान देखते हैं। कहाँ भाग रही है प्लान छोड़ के? फाइनली केक का सामान आ गया है, ओरियो बिस्किट ले आया हूँ, एक पैकेट, दो डेयरी मिल्क है, इसको मिल्क डालने के लिए। बेकिंग थोड़ा घर पे ही है, और क्या था दूसरा चौथ पूछू? बटर पेपर। बटर पेपर नहीं है तो वो उसको हम काम चला लेंगे, बटर लगा किसी और पेपर देसी स्टाइल पेपर में। हाँ देसी स्टाइल में। चलिए कैमरा बोल लाओ, ला रही है। वाह क्या स्पीड है, अरे बाप रे। इन लोगों को इनका किचन में कोई सामान नहीं मिला, देखिए सब पूरे किचन में सब फैले हुए हैं, और ये जो टहल करके सिर्फ कोरोना फैला रहा है छींक छींक के। किसने ढूंढा है? तुमने ढूंढा है? तो तुम हकदार बनती हो आधे केक ज्यादा की। इस तरह पूरा हो गया है, अभी भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है जो मोटे, बट कोई बात नहीं, पेट में आके इतना वो हो गया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, पेट में आके वैसे ही पिचक जाएगा, हम चबा लेंगे, हमारे दांत बहुत मजबूत है, हम तो लोहे के चने चबा लेते हैं, तो बिस्किट में दंत मंजन करते हैं। तो अभी चॉकलेट को डाल रहा हूँ अंदर मेल्ट करने के लिए, कितने टाइम के लिए लगाना है? 30 सेकेंड। चलो 30 सेकेंड लगा, तो अब इसको जा रहे हैं अंदर रखने ओवन में। तो ये अंदर रख दिया है, कितने पर सेट किया तू? कितने मिनट? 25 मिनट, 180 डिग्री। तो 25 मिनट के बाद वापस आएंगे, तब तक चलते हैं रूम में, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। देखिए किचन का ये सीन है, और ये देखिए सारे के सारे इकट्ठा केक खाने के लालच में। हाँ फिर सूंघने के लालच में हो? अच्छा तो मैं सूंघने के लिए देंगे फिर हम। चलिए देखते हैं केक की क्या कंडीशन है, टाइम तो पूरा हो चुका है। हो गया, बन गया, एक बार दबा के देखो किसी चीज़ से, एक बार इसे पहले टेस्ट करके देखेंगे चाकू से लगा के अंदर, अगर ड्राई है अंदर पूरा तो इट मीन्स कि केक रेडी है। बहुत हल्का सा लगा है। कोई नहीं, बन चुका है। तो फाइनली केक तो ठंडा हो रहा है, तब तक तुशु यहाँ अपना फ़ैन लगा देंगे, क्योंकि घर में भी गर्मी हो रही ना। लग गया एक्चुअली, देखिए ऊपर सारा पैक है, हर तरफ से पैक है। सो एक फैन ये लगा है, एक ये लगा है, और दो ये लगे हैं। तुशु पूरा फाइनल फिनिशिंग टच देते हुए, और बच्चों की जबान लपलपाती हुई, मिलना किसी को नहीं सिवाय हमारे तुशु के, कोई और नहीं खाएगा, सबके पेट में दर्द हो सकती है, तो हम बच्चों को उतना मतलब परेशान नहीं करना चाहते हैं। सो फाइनली केक का टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब खा के आपको इसका टेस्ट बताता हूँ कैसा है। चाचू ये धोखेबाजी है, बच्चों के सामने आपने, बच्चों के सामने आपने उनका हक छीन लिया। देखिए कितना परफेक्ट केक बना, कोई कह सकता कि ये होममेड केक है, हम लोगों ने बनाया, हम जैसे अनाड़ियों ने बनाया है। निकालो, वाओ यार लिटरली क्या केक बना है, ये क्या नियत से लग गया क्या किसी के पहले? सी पूरा चॉकलेट ही चॉकलेट है। अल्टीमेट
कैसा लगा तुम लोगों को? कैसा लगा बच्चों, जल्दी से बताओ। अच्छा लगा तो जल्दी से बोल दो, लाइक करने के लिए बोल दो सबको, लाइक सब्सक्राइब, लाइक कर दो भैया। सो गाइस, फाइनली केक बन गया, केक सारे बच्चों ने खा लिया, मैंने भी खा लिया, और बच्चे केक खा के अपने अपने रूम में चले गए हैं, और सब इस टाइम खेल रहे हैं इस रूम में। ये स्टोर रूम है, कि अंधेरा है गर्म, फिर भी सब वहीं पे खेल रहे हैं, क्योंकि सबके पेट में केक पहुँच चुका है, सबके अंदर एनर्जी आ चुकी है। बहरहाल मैं इस व्लॉग को आज यहीं फिनिश कर रहा हूँ, अब आपसे मिलता हूँ अपने न्यू व्लॉग में, एंड आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे अपने न्यू व्लॉग में, टिल देन लव यू, बाय बाय।